अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अमेरिका संबंधों में नया इतिहास लिखा जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हिसार के ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी का दौरा किया। कहा, राखीगढ़ी को विश्व पटल पर लाने के लिए सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। हरियाणा में बनेंगे 400 एफपीओ, एक ही छत के नीचे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और पॉली हाउस का होगा निर्माण। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा, किसानों के लिए हो रही है कारगर साबित। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत, अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा के पहले चरण में सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। ट्रंप और उनकी पत्नी मुलानिया को लेकर एयरफोर्स वन विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम तक रोड शो किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्मित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। वहां पहुंचने पर नमस्ते ट्रंप समारोह में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस 22 किलोमीटर के रोड शो के दौरान देश के विभिन्न नर्तक समूह और गायकों ने प्रस्तुति दी। 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने रोड शो के दौरान हर्षध्वनि से राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 1,00,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। नमस्ते, आज मोटेरा स्टेडियम में एक नया इतिहास बन रहा है। आज हम इतिहास को दोहराते हुए भी देख रहे हैं। 5 महीने पहले मैंने अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम से की थी और आज मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। ये धरती गुजरात की है, लेकिन आपके स्वागत के लिए जोश पूरे हिंदुस्तान का है। ये उत्साह, ये आसमान तक गूंजती आवाज, ये पूरा वातावरण एयरपोर्ट से लेकर के यहां स्टेडियम तक हर तरफ भारत की विविधताओं के रंग ही रंगा हुआ नजर आ रहा है। नमस्ते, नमस्ते, एंड हेलो टू इंडिया। दिस इज सच ए ग्रेट ऑनर। लेट मी बिगिन बाय एक्सप्रेसिंग माय प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू एन एक्सेप्शनल लीडर, ए ग्रेट चैंपियन ऑफ इंडिया, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message to every citizen across this nation. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. अहमदाबाद में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सपरिवार पत्नी मुलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनगर के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहां उन्होंने फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध डायना बेंच के पास तस्वीरें भी खिंचवाई।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल हिसार के ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता के सृजन की धरा राखीगढ़ी को विश्व पटल पर लाने के लिए सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र को 2500 करोड़ तथा संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़ रुपए आवंटित करने के प्रस्ताव के बाद देश की धरोहरों को तेजी से विकसित किया जाएगा। इस सबसे पुराने हड़प्पन सभ्यता के पहले से भी सिविलाइजेशन था, और इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बजट में जब राखीगढ़ी को जो स्थान मिला, उत्खनन तो यहाँ पहले से चल रहा है, लेकिन जिस निष्कर्ष के बाद में इन चीज़ों को सुरक्षित रखना, ये वास्तव में दुनिया भर के लिए स्मारक है। जमीन धरती भारत की है, लेकिन सिविलाइजेशन की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहेगा तो जैसे मैं राखीगढ़ी आया हूँ, उनको भी राखीगढ़ी आना पड़ेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक अधीक्षक समीर दीवान सिंह ने कहा कि लगता है कि राखीगढ़ी 7000 वर्ष से भी अधिक पुरानी सभ्यता है। यहाँ पर तब एक महानगर बसता था और लोग बहुत विकसित थे। यहाँ के लोगों के विदेशों तक व्यापारिक संबंध थे। प्रारंभ में 1921-22 में पाकिस्तान से मिलने शुरू हुए। शुरू में हड़प्पा प्रथम स्थल था, उसके बाद धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार होता चला गया। संरक्षण कार्य हुए, संरक्षण कार्य होने के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में अनेक हड़प्पन साइट्स के मीन्स एक्सप्लोरेशन हुए, संरक्षण किए गए। उन सारे साइट्स में राखीगढ़ी विश्व की अब तक की मानी गई सबसे बड़ी हड़प्पन साइट में से एक है। और यह साइट जो राखीगढ़ी है, इसमें हमको तीनों चारों फेज दिखाई देते हैं हड़प्पन की। जैसे प्री हड़प्पन मिलता है, मैच्योर हड़प्पन मिलता है, तो यहाँ की जो सभ्यता के अवशेष है, यह पूरा हड़प्पा सभ्यता में एक मुख्य केंद्र के रूप में यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसान कम पानी से ज़्यादा खेती करें और इस उद्देश्य से छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए 90% सब्सिडी देने का प्रावधान है। वे आज भिवानी में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पालतू पशुओं के स्वास्थ्य जाँच और उन्हें इलाज मुहैया करवाने के लिए पशुपालन विभाग ने मोबाइल चिकित्सालय की शुरुआत की है। पहले चरण में 2 मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं, जिसमें चिकित्सक गांव-गांव जाकर किसानों के बीमार पशुओं का इलाज करेंगे। जेपी दलाल ने कहा कि कृषि विभाग हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा घोषित एफपीओ बनाने जा रहा है, जहां किसानों की फसलों के लिए एक ही छत के नीचे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और पॉली हाउस का निर्माण होगा। पहले आधे पे सिर्फ कृषि पे है, कृषि पे, पशुपालन पे, बागवानी पे, मछली पालन पे। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि सारे विभाग में आधे पन्ने हैं, एक अकेले विभाग में एक मंत्री में आधे पन्ने हैं, वो भी पहले हैं। गवर्नर का एड्रेस होता है और सरकार की दिशा को दिखाता होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पूरा जो है ध्यान दो है कृषि की तरफ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी तरह पहली बार ऐसा बजट आया है जो प्रदेशवासी की सलाह से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदेश के किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है। आज इस योजना का एक वर्ष पूरा हो गया है। यमुनानगर में इस योजना के तहत 61,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6,000 रुपए की राशि से वे अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक किसान के दर्द को बखूबी समझा है। आ चुका है और अगली किस्त हमें पता लगा कि जल्द ही मिलने वाली है, तो इससे किसानों को तो बहुत ही राहत है। इसकी 4 किस्तें अब तक मिल चुकी हैं और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ऐसे मोदी जी को 2,000 रुपये दिए, 6,000 रुपये सालाना, और हमको उसको बहुत फायदा हुआ। मोदी जी की धन्यवाद। कृषि विभाग के अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,600 बड़े किसानों के कागज हमारे पास आ चुके हैं और 6,800 किसानों के फार्मों की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ आगामी कुछ दिनों में सभी किसानों को मिल जाएगा। हमारा 100% कवरिंग का उसका टारगेट
तो 61,000 जो फार्मर है हमारे, वो जो 5 एकड़ से नीचे है उसमें अपडेट हो गए हैं, और करीबन 3600 फार्मर ऐसे हैं जो 5 एकड़ से ऊपर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और बाकी 6800 के फार्मर करीब ऐसे हैं जो रह गए थे, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, जो रेवेन्यू लिस्ट आई थी उसमें, तो उन्होंने CSC के माध्यम से अपडेट किया है, उनको लैंड रिकॉर्ड से मैच करके जो हमारे कृषि विकास अधिकारी गाँव गाँव जाके उनका वेरीफाई करके और उनको हम अपलोड जल्दी ही करेंगे। आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत लेकर आए हैं हरियाणा की लोक कला सांग। हरियाणा में लोक मंच को सांग के नाम से जाना जाता है। सांग हरियाणा की संस्कृति के जीवन का दर्पण है, जो हरियाणा के निवासियों के सामाजिक और लोक जीवन से जुड़ी वीरता और खेत खलियान को अभिव्यक्त करता है। हरियाणा में सांग का आरंभ लगभग 1730 ईस्वी में किशन लाल भाट द्वारा किया गया। सांग की इस परंपरा में पंडित लक्ष्मीचंद विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने सांग का डंका हरियाणा के गांव-गांव में बजाया। वे राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित सामाजिक जीवन से संबंधित अभिनय भी अपने कला मंच के माध्यम से करते रहे। सांग हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है और इसका स्वरूप बदलती नाट्य कला के साथ बदलता गया। प्रदेश सरकार इस प्राचीन लोक कला को जीवित रखने के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। परिषद ने ये प्रयास किया पिछले 10 सालों में कि ये जो हमारे लोक परंपराएं हैं, लोक संगीत है, लोक गीत है, इनको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं, और इसके लिए हमने गांव-गांव जाकर, चौपाल जाकर, और यहाँ तक इस बार तो हमने पहली बार ऐसा किया कि स्कूलों के अंदर जाकर भी इन विधाओं को सिखाने का प्रयास किया। हाँ, मनोरंजन का साधन पहले सांग ही होता था। हाँ, अब तो काफ़ी, क्योंकि अब सीरियल काफ़ी आते हैं और वो मोबाइल में देखते हैं, अब सांग को वो प्राथमिकता नहीं देते। जो पहले हमारी इतने है कि आज से 30-40 साल पहले 20-20 कोस के आदमी सांग देखने के लिए आते थे, और इतनी जनता पड़ती थी आकर के कि भाई एक सांग ही था सब कुछ देखने के लिए, और लोग बड़े खुश होते थे। आजकल जो है वो पुराने आदमी नहीं रहे, अब नए नए जो बात है वो आ गई है, अब सांग का वो हिसाब किताब जो है खत्म होता जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हम अपने जोड़ीदार राज्य तेलंगाना के कुछ नए वाक्य लेकर आए हैं। इस अभियान के तहत दो अलग अलग राज्यों को सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए जोड़ीदार बनाया गया है। इसके तहत हम हरियाणा के जोड़ीदार राज्य तेलंगाना में बोली जाने वाली तेलुगु भाषा के कुछ वाक्यों का हिंदी अनुवाद करेंगे। इसी कड़ी में आज हमने 3 वाक्य लिए हैं। पहला वाक्य है शहर बहुत अच्छा है, जिसका तेलुगु अनुवाद है सिटी चाला बागुंडी। दूसरा वाक्य है गांव बहुत साफ है, जिसका तेलुगु अनुवाद है ग्रामम चाला शुभ्रंगा उंडी। और तीसरा वाक्य है शहर में बहुत अधिक प्रदूषण है, जिसका तेलुगु अनुवाद है सिटिलो कालुस्यम चाला उंडी। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने आज हिसार में महिला फिल्म फेस्टिवल उड़ान का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा वाक्यों पर विषयों पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल उड़ान में 2 या 2 से अधिक बेटियों वाली माताओं को महिलाओं से जुड़े विषयों पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रतिदिन 210 महिलाओं को एक फिल्म दिखाई जाएगी। आज इस कार्यक्रम में महिलाओं को पंगा फिल्म दिखाई गई। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि शादी के बाद महिलाएं अपने शौक और अपने परिवार पर कुर्बान कर देती है, लेकिन यदि वे पंगा फिल्म की तरह अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी बेटियों को भी उनकी मर्जी का क्षेत्र अपनाने की आज़ादी दें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत अमेरिका संबंधों में नया इतिहास लिखा जा रहा है।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हिसार के ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी का दौरा किया। कहा, राखीगढ़ी को विश्व पटल पर लाने के लिए सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। हरियाणा में बनेंगे 400 FPO, एक ही छत के नीचे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और पॉली हाउस का होगा निर्माण। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा, किसानों के लिए हो रही है कारगर साबित। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।